कि आंकड़े क्यों ले जा रहे हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं सही होते हैं। सही होते हैं, अच्छा ओके। हाँ बताइए आप, ओपिनियन पोल लोकतंत्र में चुनाव को प्रभावित करते हैं और ये बात सत्य है। आप देखिए अभी और बात किस तरीके प्रभावित करते हैं ये, और सर इतना बड़ा फर्रा लेके आए बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करें कि आप क्या है इनके लिए। हाँ आप बोलिए, बताइए जल्दी बोलिए। मानने की ओपिनियन पोल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, तो मीडिया में खबर आनी चाहिए, इसे जानकारी हमें बढ़ती। एक्चुअली जनता को एक ही तो अधिकार, के अलावा तो जनता के पास कोई अधिकार बचा नहीं है। जैसे मैं जानता हूं कि जिस समय इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 72 घंटे पहले एग्जिट पोल, मीडिया ने प्री पोल पोस्ट सर्विस, मीडिया ने अपने आप निर्णय लिया कि हम नहीं करना चाहिए। हालांकि दुनिया के सारे प्रतिष्ठित लोकतंत्र में अंतिम ओपिनियन पोल उसी दिन सवेरे छपता है जिस दिन पोलिंग होती है, तब भी मीडिया ने भारत में कहा कि ठीक है आपने 72 घंटे कहा, हम 72 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। आपने एग्जिट पोल के लिए उसमें बीच में मत कीजिए, वो भी मीडिया ने अपने ओर से कहा कि ठीक है, ये बात समझ में आती। हालांकि के ऊपर प्रतिबंध नहीं था, नहीं है, लेकिन तब भी आप ये देखिए एक भी प्रिंट प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया का कम से कम कहूं, उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव करेंगे, यानी उद्घोषणा हो गई नहीं की बात, ठीक है नहीं होते हैं वहां के पोल ही नहीं हो पाते हैं। okay. दूसरी बात है कि अपना कोई भी चीज अगर हमें कोई गेहूं की डेयरी को गेहूं का ढेर लगा हुआ है, हम उसे चेक करना होता है, तो एक मुट्ठी गेहूं लेके उसे चेक करते हैं, उस हिसाब से माजी करके उसमें गेहूं अंदर छुपा रखा होता है जो खराब माल होता है। उसके मतलब आपको मीडिया की नियत पे शक, मीडिया की नियत पे भी वो पूरा एक्चुअल पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए अपना, कहीं आधा हो पाता आधा नहीं हो पाता, कहीं बोलिए। ये हमारे मन की आवाज है कि हमने किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं देना, आप ये कहते हैं जरूरी है। ओके जरूरी है। हाँ भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है और 1970 से पहले मेरे ख्याल विपक्ष को भी बोलने की इजाजत नहीं थी। आज जो मीडिया ने, मीडिया में जो चर्चा हो रही है पोल के ऊपर, ये चर्चा जो है विश्व के अंदर, तो मैं ये नहीं समझता कि एग्जैक्ट पोल या ये पोल जो